हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, बताइए भूटिया डांस जो है ये कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? सिक्किम, नागालैंड, MP या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए भूटिया डांस फॉर्म की बात करें ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज थुमरी म्यूजिक एसोसिएटेड, कौन सी म्यूजिक डांस फॉर्म से थुमरी म्यूजिक का संबंध है? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी कथक। अगला क्वेश्चन है फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेंड ब्लैंक डांसर, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है हेमा मालिनी ये कौन सी ट्रेंड डांसर है? मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस फॉर्म है ना उसी की ये ट्रेंड डांसर है। ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम की। ठीक है, PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लता मंगेशकर वॉज बॉर्न, बताइए निम्नलिखित में से कौन से शहर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था? आगरा, पटना, लखनऊ या फिर इंदौर। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, तो ये आपको याद रखना है 2001 में मिला था इनको भारत रत्न अवार्ड। और ये कौन से शहर में इनका जन्म हुआ था, जो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट शहर है ना, सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर MP में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बताइए पंडित शिव कुमार शर्मा जी का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है? वीणा, संतूर, मृदंगम या फिर फ्लूट। पंडित शिव कुमार शर्मा आपके ऑप्शन नंबर बी संतूर। हु वॉज पॉपुलरली नोन एज मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली मेलोडी क्वीन से किसे जाना जाता है? आशा भोसले, हेमा मालिनी, अनुराधा तिवारी या फिर लता मंगेशकर। देखिए मेलोडी क्वीन, मेलोडी क्वीन ऑप्शन नंबर डी लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन है श्री मणि प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक, श्री मणि प्रसाद का संबंध कौन से फॉर्म ऑफ म्यूजिक से है? हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक, कार्नेटिक वोकल म्यूजिक या फिर फॉल्क म्यूजिक। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा तो आप थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, वांगला फेस्टिवल जो है ये निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भाई कि वांगला फेस्टिवल, आपने फेस्टिवल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ये आपको मेघालय स्टेट में मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल। तो गारो ट्राइब आपको याद होगा, गारो, खासी और जयंती का मैंने तीन ट्राइब्स बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट मेघालय के, तो गारो ट्राइब हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने भूटिया ट्राइब को भी डिस्कस किया ना, भूटिया ट्राइब कौन से मतलब कि परफॉर्म किया जाता है? सिक्किम। भूटिया डांस फॉर्म ना, भूटिया डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है कौन से स्टेट में? तो सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन है द फेमस सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगो वॉज ऑरिजिनली संग बाय, ये जो फेमस सॉन्ग है ऐ मेरे वतन के लोगो ये ऑरिजिनली किसके द्वारा गाया गया है? सोनू निगम, आशा भोसले, अरिजीत सिंह या फिर लता मंगेशकर। सो दिस सॉन्ग वॉज ओरिजिनली संग बाय ऑप्शन नंबर डी द मेलोडिक क्वीन लता मंगेशकर, है ना, और इनको भारत रत्न कब मिला है भाई, है ना, 2001 में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड रिसीव करने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस कौन है? मधुबाला, हेमा मालिनी, देविका रानी या फिर नरगिश दत्त। ऑप्शन नंबर डी नरगिस दत्त वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंगहम, जॉन मार्शल या फिर विलियम बैंटिक। अलेक्जेंडर कनिंगहम। When was the first law commission set up in the independent India? आजाद भारत में पहला law commission कब set up किया गया था? तो पहला commission set up कब किया गया था, law commission ये कब किया गया था भाई, 1955 में।
अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल डज हर टारगेट हैव इन आर्चरी। देखिए आर्चरी आपने अगर कभी गेम भी खेला होगा ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो आप उसमें निशाना लगाने वाला गेम खेलते होंगे तो आपको सर्कल टाइप का दिखता होगा, या फिर आप कभी देखे होंगे टीवी पे भी तो आर्चरी आपको दिखता है राउंड टाइप का। तो आपको बताना है कि ये कितने सर्कल्स होते हैं बेसिकली आर्चरी में। भाई 10 सर्कल्स होते हैं। ओके, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर। बताइए भारत के कौन से राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। कंट्री वाइज भी पूछ सकता है, तो जापान में निकलता है, जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन भी, और इधर हमारे इंडिया में कहा जाता है किसको, अरुणाचल प्रदेश को। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वेर ऑर्गेनाइज इन विच ईयर। बताइए पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है ये किस साल ऑर्गेनाइज किया गया था और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। भाई तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था हैमिल्टन। हैमिल्टन कहाँ है, कनाडा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1930, हैमिल्टन कनाडा। गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, बताइए गोल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, मैरीकॉम, सुनील गवास्कर, साइको मीराबाई चानू, या फिर मेजर ध्यानचंद। गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ऑप्शन नंबर डी मेजर ध्यानचंद। हु इज द ऑथर ऑफ द नोबल द मूस लास्ट साइट, बताइए इस नोवल के ऑथर कौन है, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, ये यहाँ पे के छूट गया ठीक है, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, या फिर सलमान रश्दी। बताइए इसके ऑथर कौन है, द मूस लास्ट साइट, ऑप्शन नंबर डी सलमान रश्दी। हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सी वी रमन, विनोबा भावे, विक्रम साराभाई, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। कहा जाता है किसको, एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज द लिटिल मास्टर, कौन से इंडियन क्रिकेटर को हम लिटिल मास्टर से जानते हैं, सुनील गवास्कर, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, या फिर युवराज सिंह। तो कौन से इंडियन क्रिकेटर को हम लिटिल मास्टर से जानते हैं, भाई ये हमारे होगा सुनील गवास्कर जी ठीक है। वेन वॉज द इंटरनेशनल योगा डे, ये तो भाई ईजी है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। मैंने बोला था कि धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल अप होंगे, तो अब क्वेश्चंस के लेवल अप होने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। 21st of June इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके लिए, अभी तो आपका ये 5वां ही सेट है, अभी तो बहुत सारे सेट आने बाकी है, तो अगर आप सारे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखते हो तो आपको जीके जीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई इसी टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आप सारी वीडियोज़ को कंटिन्यू बस देखते रहो और रिवाइज़ करते रहो पीडीएफ से ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।